नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक डीमर्जर के बारे में। कंपनी का नाम है मर्केटर लिमिटेड। ये कंपनी अपना डीमर्ज कर रही है अपना ड्रेजिंग बिजनेस मर्केटर ड्रेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। इसमें प्रत्येक 40 शेयर के बदले एक शेयर MDPL का मिलेगा, यानी कि मर्केटर ड्रेजिंग प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि ये बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाए ये मर्जर के बाद में, और इसकी लिस्टिंग भी होगी BSE और NSE पर। जो MDPL है उसकी इस समय फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है, जबकि मर्केटर की 1 रुपये प्रति शेयर है। इसका मतलब ये हुआ दूसरे शब्दों में कि 200 शेयर अगर आप मर्केटर के खरीदते हैं तो वो डी मर्जर के बाद में 200 शेयर तो डी मर्ज कंपनी मर्केटर के हो जाएंगे और 5 शेयर आपको 10 रुपये वाले MDPL के मिलेंगे। बोर्ड ने इसका अप्रूवल 14 फरवरी 2018 को दे चुकी है, और जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसके जो शेयर हैं रिकॉर्ड डेट बाद में जब आएगी उसके बाद में ये शेयर NSE और BSE पर लिस्टेड होंगे। रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और लास्ट डेट ट्रेड के लिए वो बाद में पता लगेगा जब ये रिकॉर्ड डेट इसकी आ जाएगी। 24 नवंबर 1983 को इस कंपनी की स्थापना हुई थी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। उस समय इसका नाम था मर्केटर लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड। 1984 में 6 महीने के अंदर ही ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई और इसका नाम बदलकर मर्केटर लाइन्स लिमिटेड हो गया। 1993 में कंपनी ने अपना IPO निकाला, जब उसने 33,42,500 शेयर 10 रुपये वाले 10 रुपये प्रीमियम पे, यानी कि 20 रुपये प्रति शेयर में इन्होंने अपना IPO निकाला था। कंपनी ने 2004 में 10 रुपये की अपनी जो फेस वैल्यू है उसको कम करके 1 रुपया कर दिया गया था, स्प्लिट कर दिया गया था। 2005 में एक बोनस भी कंपनी ने दिया था, और 2011 में इसका नाम बदलकर मर्केटर लिमिटेड कर दिया गया। अब जानते हैं कि ये मर्केटर लिमिटेड आखिर करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है। देखिए, ये जो इंडिया की एक डाइवर्सिफाइड दिग्गज है जिसका जो मेन इंटरेस्ट है कोल, ऑयल एंड गैस, शिपिंग और ड्रेजिंग के अंदर है। इसके पहले प्रमोटर्स दूसरे होते थे। इस समय मिस्टर HK मित्तल है जिन्होंने इस कंपनी को 1988 से टेक ओवर किया है, और इस समय ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। शिपिंग कंपनीज का नाम इसका जाना जाता है। जब से इसकी स्थापना हुई है ये कई फील्ड में डाइवर्सिफाई कर चुके हैं और काफ़ी ये एक्वायर कर चुके हैं कंपनीज को। अब जो है ये अपनी शिपिंग फ्लीट रन करती है और ड्रेजिंग में भी इनका काम है। हालांकि वो काम काफ़ी अच्छा है ड्रेजिंग का, इनका 51% जो शेयर है इनकी इनकम का, टर्नओवर का, वो ड्रेजिंग से आता है। जहां तक शेयर की बात करें, पिछले 52 वीक में इसका हाई 48.90 रुपये हुआ है 1 नवंबर 2017 को। 21 मई 2018 को इसका लो लगा है 21.10 रुपये में, और इसकी मार्केट कैप लगभग 724 करोड़ रुपये है। अगर किसी भी व्यक्ति ने 100 शेयर में इसकी इन्वेस्टमेंट करी होती 1993 में, तो अब 25 साल के बाद में ये 30 गुना हो गई है, 30,000 रुपये हो गए हैं उसके, क्योंकि 2500 शेयर हो गए हैं और 24 रुपये आज की मार्केट वैल्यू है। की फाइनेंशियल डाटा जान लेते हैं FY 16-17 का। पेड अप इक्विटी कैपिटल इसकी लगभग 27 करोड़ रुपए है। टोटल रिजर्व 794 करोड़ रुपए है। टोटल डेट्स काफ़ी हैं 1,015 करोड़ रुपए के आसपास। टोटल रेवेन्यू इनका 569 करोड़ रुपए है, और जो लॉस है इनका 30,55,00,000 रुपए का लॉस था इनका, और जो बुक वैल्यू है उसके उससे भी कम में ये इस समय ट्रेड कर रहा है। इसका अंत में हम आपको ये कहेंगे कि ये वीडियो सिर्फ हमने आपको जानकारी के लिए बनाई है। हम आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस कंपनी में नहीं कह रहे हैं। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो अपने पहले एडवाइजर से सलाह लें, और केवल एंटरटेनमेंट पर्पज़ की आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। डिस्क्लेमर पढ़ना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।